आपका इधर आया, इधर से भावनगर गया था, उधर इतना रिस्पेक्ट दिया नहीं, बाद में अगर हम लोग इधर वापस आया, हाँ 200 किलोमीटर का दौर गया था हम लोग, वापस इधर आया, आपका रिस्पेक्ट हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो भावनगर जाना आपका मतलब वो देखने के लिए गया था, उधर रिस्पेक्ट कैसा मिलता है ये देखने के लिए गया था, जाके उधर इतना अच्छा मिला नहीं, आपका इधर हम लोग को बहुत अच्छा मिला। भावनगर जाना आपका फालतू, आपका टाइम वेस्ट। हाँ टाइम वेस्ट है, बहुत टाइम वेस्ट हुआ। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एसएस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक नए वीडियो में। दोस्तों एक रिव्यू लेके आया हूँ हमारे कस्टमर का, जो आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि किस तरह से उनको सोडा बॉटलिंग प्लांट खरीदने का इन्होंने प्लानिंग किया, कैसे उन्होंने डिसाइड किया कि मशीन एसएस सोडा मशीन कंपनी से लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। तो सारे सवाल आज सर से पूछेंगे और पूरी जानकारी आपको हमारे सर बताएंगे कि किस तरह से एसएस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से उन्होंने मशीन बुकिंग करवाई और क्यों। हेलो सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है साइबुद्दीन अहमद। आपका नाम क्या है सर? रुबुल इस्लाम सर। रुबुल इस्लाम जी, और सर आए हैं कहाँ से? आया है सर आप? आसाम से है सर। आसाम से? हाँ। आसाम यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है सर? 3000 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर दूरी से इतना दूर यहाँ पर ऐसा सोलह मशीन कंपनी में आप आए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? आप यहाँ पर आए, आपको मशीनें कैसी लगी, हमारा रिस्पॉन्स कैसा लगा सर, क्या चीज़ अच्छी लगी जिसकी बुनियाद पर आपने हमारे पास मशीन बुकिंग करवाई सर? अगर हम लोग असम से अहमदाबाद आया, आपका रिस्पेक्ट इतना अच्छा लगा, मेरे को ऐसा लगा हम लोग एक माँ का भाई है, ऐसा लगा, इतना अच्छा लगा बोलने के लिए नहीं आता है, इतना अच्छा लगा। दुनिया में बहुत जगह में गया, आपका जैसा रिस्पेक्ट है, आपका कंपनी का जैसा रिस्पेक्ट है, हम लोग को इतना अच्छा कभी किधर मिला नहीं, आपको मिलकर हम लोग को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है सर। पहले यहाँ पर आए थे अहमदाबाद गुजरात, फिर दूसरी भी इधर से आपका इधर आया, इधर से भावनगर गया था, उधर इतना रिस्पेक्ट दिया नहीं, बाद में अगर हम लोग इधर वापस आया, हाँ 200 किलोमीटर का दौर गया था हम लोग, वापस इधर आया, आपका रिस्पेक्ट हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो भावनगर जाना आपका मतलब वो देखने के लिए गया था, उधर रिस्पेक्ट कैसा मिलता है ये देखने के लिए गया था, जाके उधर इतना अच्छा मिला नहीं, आपका इधर हम लोग को बहुत अच्छा मिला। भावनगर जाना आपका फालतू, आपका टाइम वेस्ट। हाँ टाइम वेस्ट है, बहुत टाइम वेस्ट हुआ। दोस्तों कोई मतलब नहीं रहा सर आपको वहाँ पर जाके? नहीं मतलब कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर जो आपने मशीनरीज देखी, यहाँ पर जो रिस्पांस देखा, यहाँ पर क्वालिटी देखी, ये शहर आपने देखा अहमदाबाद, तो सारी चीजें ऑल ओवर कैसी लगी? जो आप जिस शहर की बात कर रहे हैं उस शहर से अहमदाबाद कैसा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, एकदम बहुत अच्छा लगा। दोस्तों अहमदाबाद एक बड़ा शहर है, मेट्रो शहर है दोस्तों, वो गाँव में जाके आपका फालतू में समय बर्बाद हुआ, ये हमारे कस्टमर का कहना है, आप सुन रहे हैं ठीक है। वहाँ पे जाना और रास्ता कच्चा रास्ता है ठीक है, भावनगर जाके उन्होंने एक्सपीरियंस करके आए हैं, आपके सामने बोल रहे हैं कि टाइम वेस्ट हुआ। हम लोग उधर भी था, हम लोग एक दिन उधर रुक के आए, हम लोग जगह कंपनी में जाके। हाँ एक दिन रुक के आए। तो उधर इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिला था हम लोग को, उधर से जो मेंटेनेंस रहता है हम लोग को देता है, ऐसा कोई नहीं देता है। मैं एक जगह में क्या अच्छा मिला नहीं है, लेकिन आप एमडी होकर जैसा रिस्पेक्ट देता कोई देगा नहीं। आप कितनी कंपनी में घूमे सर? मैं कम से कम 5 से 6 कंपनी में घुमा, लेकिन सबसे बेस्ट आपका अच्छा लगा हम लोग का। अच्छा 5 से 6 कंपनी भावनगर में घूमे या अहमदाबाद में भी? नहीं नहीं भावनगर घुमा, भावनगर में ज्यादा कंपनी घूमे, भावनगर की ऑलमोस्ट जो भी मतलब 3-4 कंपनी है आप घूम के आए? हाँ घूम के आया, 4 कंपनी भावनगर की घूमे। हाँ। और अहमदाबाद में ऐसा 16 मशीन आपका इधर आया, दूसरा जगह में गया नहीं। तो दोस्तों हमारा पास और कोई आया था, हम लोग जिधर रूम पे रहते हैं उधर कोई आया था, आके बोला ऐसा ऐसा, हम लोग क्या बोला नहीं, हम लोग सलमान भाई का अच्छा लगता है उधर ही, वो लोग दलाल था, कल रात को 10 बजे हमारा पास गया था, हम लोग बोला नहीं उधर हमारा डन हो गया, ऐसा हम लोग बोला, ऐसा भी बोला, उसका रेस्पेक्ट हमारा बहुत अच्छा लगा, ऐसा भी बोला हम लोग। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। देखिए आपका कीमती समय, आपका कीमती पैसा, दोस्तों दोनों ही चीज बहुत कीमती है। आप एक बिजनेस करने चाह रहे हो, आपको बिजनेस करना है, और जिस कंपनी के पास से आप मशीन खरीद रहे हो उसका बिजनेस हो जाता है ना। जैसे आप अभी हमसे मशीन खरीद ली आपने, यानी हमारा तो बिजनेस हो गया ना, हमारा तो व्यापार हो गया, अभी आपको इसमें से व्यापार करना है, पैसा कमाना है आपको, हमने तो पैसा कमाया, अब आप पैसा कमाओगे, तो आप कब कमा पाओगे? जब क्वालिटी होगा। हमारा ऐसा मानना है कि दोस्तों क्वालिटी अच्छी खरीदनी चाहिए। हमारी कंपनी के अंदर क्वालिटी कैसी लगी वो भी सर से पूछेंगे। सर आपको कंपनी, हेलो चलो व्यवहार तो अच्छा लगा, लेकिन मशीन का क्या कहना है सर, मशीन कैसी लगी? कंपनी बहुत अच्छा लगा, आपका मशीन भी बहुत अच्छा है, अच्छा है बोल के हम लोग लिया, अच्छा है बोल के आपने मशीन बुकिंग करवाया। मशीन अंदर खोल के दिखाया सर, पाइपिंग कैसा है सर? अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम लोग पूरा खोल के देखा, बहुत अच्छा है। अंदर स्टेनलेस स्टील 304 का फुल्ली बॉडी है, फुल्ली बॉडी है।
और पूरा 304 का बॉडी है, पूरा 304 का बॉडी है, हाँ पूरा 304 का बॉडी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, का क्वालिटी क्या है मशीन का, क्वालिटी स्टैंडर्ड है। यहाँ पर सर ने सारी चीजें देखी, यहाँ पर मशीन अच्छी लगी उनको, और द टेक्नोलॉजी पीएलसी प्रोग्रामिंग वाला ये मशीन जो है सर ने परचेस किया है। देखिए ये पूरी मशीन है जिसके अंदर 3 सोडा वाले हेड है और 2 जूस वाले हेड है, और ये बाजू 2 पानी के और 1 यहाँ पर जूस वाला हेड है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मशीनरी की क्वालिटी कैसी है, मशीन का परफॉर्मेंस कैसा है, मशीन के साथ मिलने वाली चीजें कैसी है, मशीन जिस कंपनी से हम ले रहे हैं वो कंपनी कैसी है, कंपनी के एम्प्लॉय कैसे है, कंपनी का MD कैसा है, हर चीज मायने रखती है दोस्तों। क्योंकि पैसा एक बार आपको लगाना है लेकिन प्रोडक्ट तो रोजाना लेना है ना, उसमें से मशीन को रोजाना चलानी है। कभी कुछ दिक्कत परेशानी हो गई तो आपको सामने रिप्लाई दे पाएगी कंपनी या नहीं दे पाएगी, ये चीज को गौर कीजिए। वीडियो की बारीकी में जाइए, वीडियो को अच्छे से देखिए कि क्या जेन्युइन रिव्यू है कि नहीं है। पूरे पते के साथ हम आपको बताएंगे कि सर ये मशीन आप कहां पर लगाओगे। असम, असम में प्रॉपर पता बताइए। बरपेटा डिस्ट्रिक्ट कोलगसिया, बरपेटा डिस्ट्रिक्ट कोलगसिया, बेले सादितपुर। अच्छा, बेले सादितपुर साजिदपुर, वहां पर ये सर अपनी मशीन को लगाएंगे। सर आपको यहाँ पर हमारी कंपनी में जो है दूसरी मतलब कि क्या चीजें अच्छी लगी जिसकी वजह से आपने हमारी मशीन बुकिंग कराई? एक तो आपको मशीन अच्छी लगी, एक हमारी कंपनी का व्यवहार, बाकी सब सेटअप वगैरह कैसा लगा, मशीनें कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ये देख के हम लोग को बहुत अच्छा लगा, दिल भी खुश हो गया। ऐसे लगता है बहुत दिल खुश हो गया, अहमदाबाद में आके इतना रिस्पेक्ट मिला आपका, इसे बोलने के लिए नहीं आता इतना रिस्पेक्ट मिला। मतलब आप जिस वहाँ जहाँ गए थे वहाँ पर सारी कंपनी का ऐसा ही था? जहाँ पर भावनगर गए थे? नहीं, भावनगर गया था सारा कंपनी, क्या कोई कोई हम लोग गया तो एक दूसरा दूसरा कंपनी में दूसरा दूसरा है, लेकिन गुजरात में ऐसा लगा आपका जैसा मिला नहीं, ये इतना अच्छा मिला पूरे गुजरात में हमारी कंपनी ऐसे बहुत अच्छा लगा, पूरा गुजरात में आपका कंपनी अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है, मालिक करे और हमारे दूसरे भी जितने कस्टमर यहाँ पर आते हैं और जिन्होंने मशीनें ली है सबको अच्छी लगे और कामयाबी हासिल हो। आप भी मशीन लेके जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला करो और आपका बिजनेस बहुत ही सफल हो, कामयाबी हासिल हो, एक बड़ी ब्रांड बने, आपकी यही हमारी दुआएं हैं। तो दोस्तों आप भी खरीद सकते हो SS16 मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अपनी मशीन, एक कस्टमर का जेन्युइन रिव्यू आपके सामने है। सर हमारे पास आए, इन्होंने मशीनें देखी, कंपनी देखी, सारा विजिट किया। हमारे सर कंपनी के एम्प्लॉयज कैसे लगे सर आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सबका रिस्पॉन्स? हाँ बहुत अच्छा लगा, सबका अच्छा लगा। अच्छा, और सर हमारी कंपनी रोड से कितनी नजदीक है, आने में कोई दिक्कत? नहीं कुछ भी नहीं हुआ, दिक्कत नहीं हुआ। मेन शहर में है, सिटी में है? हाँ मेन सिटी में है। कोई गाँव में है? नहीं सिटी में है सर, मेन सिटी में है। सर ये मेट्रो शहर है अहमदाबाद, गुजरात एक बड़ा शहर है, उसमें मेट्रो दानी लिमड़ा विस्तार BRTS बस स्टॉप के बराबर सामने इजीली हमारी कंपनी मिल जाएगी। हमारे कंपनी का पूरा शोरूम है। यहाँ का एटमोसफेयर कैसा लगा यहाँ पर, अगर बात कर रहे हैं तो खड़खड़ खुड़खुड़ ऐसी कोई आवाज आ रही? नहीं कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ एकदम साइलेंट में, एकदम साइलेंट। दोस्तों कंपनी फैक्ट्री हमने अलग रखा हुआ है, शोरूम हमने अलग रखा हुआ है, ये हमारा शोरूम है, यहाँ पर आपको साइलेंटली सारी मशीनें अच्छे से देखने के लिए मिलेगी। जब फैक्ट्री में आप मशीन को देखते हो तो कैसा होता है, यहाँ पर दूसरी मशीनों की आवाज के हिसाब से आपकी जो मशीन है उसकी आवाज छुप जाती है। हम साइलेंट के अंदर हमारी मशीन चालू करके दिखाते हैं, उसका ओरिजिनल नॉइज जो है हमारे कस्टमर को बताते हैं कि हमारी मशीन जो है कितनी साइलेंट मशीन है। सर ने सोडा भी टेस्ट करके देखी, सर सोडा कैसी लगी? सोडा बहुत अच्छा लगा, इसके लिए घूम गया ना, भावनगर गया था उधर हम लोग सोडा पिया, नहीं इतना अच्छा नहीं लगा। आपका इधर जो सोडा हम लोग पिया इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सोडा आपने पिया बहुत अच्छा लगा आपको, उस सोडा का स्ट्रांगनेस कैसा लगा? स्ट्रांग अच्छा है। और टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट भी बहुत अच्छा है, टेस्ट और स्टॉक दोनों अच्छा है। आप आए थे तो यहाँ पे चालू मशीन मिला? हाँ चालू मिला था। आपने नीचे सोडा जब हमारा टेस्ट किया तो मशीन बंद है ऐसा तो नहीं है, कंप्लीट चालू था? चालू था। हाँ ऐसे बंद नहीं है, चालू था। और आपने हमारे नीचे डिपार्टमेंट भी है, जैसे स्पेयर पार्ट डिपार्टमेंट है, हमारा स्टॉक डिपार्टमेंट है, हमारे पास सारी सुविधा है, वो सारी चीजें है। हमने मशीन बुकिंग करवाया, हमने आपको बोल दिया सर आज ही चाहिए तो आज ही डिलीवरी दे देंगे, तो आपको लग रहा है सर दे पाएंगे? मशीन रेडी है? दे पाएंगे, आपका पास मशीन रेडी है ना सर? कितना मशीन है, मैं आसाम को किसको वीडियो कॉल करके दिखाया, मेरा ससुर जी को दिखाया, इतना मशीन शोरूम में बहुत देखा है, उसने कॉल किया था मेरे को। जी 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 सर, इतने में बेचोगे एक सोडा को, क्या तरह का आपका प्लानिंग है सर? वहाँ पर बोतल कहाँ से मिलेगी आपको, वो सारी थोड़ी सी जानकारी बताइए सर। हमारा बोतल बंगाईगांव से मिलेगा, लेवल गुवाहाटी से मिलेगा, अगर हम लोग जो बेचेगा वो ये हिसाब से रियल हिसाब से बेचेगा, जो लोग और बनाता है हम लोग अगर 10 से 12 रुपया बेचेगा तो वो लोग लेगा नहीं, अगर वो लोग जैसा बेचेगा वो लोग हमारा एक सेम लाइन में बेचना पड़ेगा ना,
वो लोग 10 रुपये बेचेगा तो हमारा भी 10 रुपये बेचना पड़ेगा, अगर वो लोग 12 रुपये बेचेगा तो हमारा भी 12 रुपये बेचना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन एक बोतल आपको कितने में पड़ेगा, आपने गुत्तों से अंदाजा लगाया होगा कितने में पड़ रहा है, एक बोतल 200 ml का कितने में पड़ेगा? अभी एक बोतल 200 ml का 5 रुपये 10 पैसे से पड़ेगा, 5 रुपये 10 पैसे 20 पैसे में अप्रोक्स पड़ेगा, और उसको सेल आउट सर कर देंगे कितने? हमारा 24 पीस 150 में आता है, डिलीवरी आता है, बाद में उसका हिसाब से 5 रुपया 60 पैसा आता है। अच्छा, ऐसा कुछ आता है, यानी आप अगर 5 रुपये 10 पैसे में भी उसको ले बना रहे हो, अगर 5 रुपये 65 पैसे में भी बेच रहे हो तो 55 पैसा प्रॉफिट मिलेगा, 55 पैसा प्रॉफिट, 10,000 बोतल निकाल लोगे? हाँ, 10,000 निकाल लेगा। मशीन की कैपेसिटी तो 20,000 की है। अब 20,000 है, लेकिन हम लोग शुरू में जो कर रहा है, शुरू में तो 20,000 जाएगा नहीं, लेकिन 20,000 निकालता है आपका मशीन में, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बना के थोड़ा बेचना पड़ेगा ना। 10,000 भी बेचोगे तो इंशाल्लाह मतलब प्रतिदिन 6,500 रुपये प्रॉफिट करके, हाँ ये होगा, 6,500 हो जाएगा। क्या लग रहा है? 6,500 हो जाएगा, कम से कम 6,500 तो हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर दोस्तों 6,500 रुपये भी प्रॉफिट है तो महीने में 1,80,000 रुपये, महीने में 1,80,000 हो जाएगा। तो दोस्तों मशीन की कीमत तो 2-3 महीनों में ही निकल जाएगी, तो ऐसा ही शानदार बिजनेस कीजिए जिसमें आपका जो है रिफंड बहुत फटाफट मिलता है, प्रॉफिट बहुत शानदार है। तो इनके वहाँ पे बहुत कंपटीशन चल रहा है, उसके बावजूद भी ये मशीन ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इनको पता है कि कैसे बिजनेस करना है। तो कॉम्पिटिशन से डरना नहीं है दोस्तों, हमारी मशीनरी लाइन में भी बहुत कॉम्पिटिशन है, उसके बावजूद हमारी मशीन महंगी बिकती है क्योंकि हम क्वालिटी बनाते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छा है। हमसे सस्ती मशीन मिल रही थी सर, वो सस्ता मिला था, लेकिन वो मिला था वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपका इधर जो है आपका सब मशीन का जो मटेरियल है बहुत हैवी दिया, इसके लिए आपसे हम लोग मशीन लिया ना। हम लोग भावनगर से गया था, उसका मशीन इतना ही नहीं है, लेकिन मटेरियल इतना मजबूत नहीं है, आपका इधर पूरा मटेरियल अच्छा है, इसके लिए आपका मशीन का थोड़ा ये अच्छा है, इसके लिए हम लोग लिया। तो दोस्तों देखिए, प्राइस आप देख रहे हो तो सामने क्वालिटी को भी देखिए, सस्ती मशीन अगर लेनी है तो क्वालिटी भी डाउन होगा, अच्छी मशीनें लेनी है तो कामयाब मशीन के लिए पैसा भी उस हिसाब से लगता है। क्या क्वालिटी के हिसाब से सर मशीन महंगी है क्या? नहीं नहीं, क्वालिटी के हिसाब से मशीन महंगा नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से और थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए था, क्वालिटी अच्छा है बोल के आपने जो रेट लिया अच्छा रेट लिया, लेकिन हम लोग दूसरा जगह से गया उससे थोड़ा कम ही मिला हम लोग का। अच्छा, हाँ ऐसा मिला। अगर दोस्तों ऐसा हम करेंगे कि मशीन महंगी है तो सामने क्वालिटी हमारा बहुत अच्छा है, कस्टमर आपके सामने बोल रहे हैं कि प्राइस जो है वो रिजनेबल है क्वालिटी के हिसाब से, अगर क्वालिटी नहीं देख रहा है तो फिर बहुत सस्ती मशीनें मिलती है, बहुत कम भाव में मिलती है, लेकिन वो रद्दी क्वालिटी होती है, सोडा आपका जो है 4 दिन भी बोतल में टिकेगा नहीं। अगर अच्छी क्वालिटी लोगे, अच्छी मशीन लोगे तो उसमें आपका सोडा टिकेगा दोस्तों, 3-3 महीने तक सोडा खराब नहीं होगा। उसके लिए लेनी होगी अच्छी मशीन, और अच्छी मशीन खरीदने के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर, एसएस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अहमदाबाद गुजरात। थैंक यू फॉर वॉचिंग एसएस सोडा। सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एसएस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीडियोस। थैंक यू।